जनपद में ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले दोपहिया चालकों के खिलाफ तरंग क्रॉसिंग पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जनपद में ठंड बढ़ गई है, जिससे कोहरा भी बढ़ गया है। कोहरे में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए ITMS के माध्यम से व सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाएं और हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, इससे जान माल का खतरा बना रहता है। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए वाहन चेकिंग किया गया है। इसमें जिन लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाया था और वाहन के कागज नहीं थे, उनके वाहन का चालान किया गया है। सभी वाहन चालकों से अपील किया गया है कि वह यातायात नियमों का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, इस समय कोहरे का मौसम चल रहा है। कोहरे के मौसम में दुर्घटनाओं की संख्या कोहरा होने के कारण बढ़ जाती है। ऐसे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए लगातार हम ITMS के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से सभी वाहन चालकों को आगाह कर रहे हैं कि अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाएं, हेलमेट धारण करें एवं सुरक्षा संबंधी जो भी हमारे सारे मानक हैं जिनके बारे में समय समय पर बताया गया, सभी का पालन करें ताकि मार्ग दुर्घटनाएं ना हों। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यातायात नियमों के प्रति गंभीर नहीं हैं, इससे जान माल की हानि होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए, उनको चेतावनी देने के उद्देश्य से आज पुनः, जैसा कि हम समय समय पर कहते रहते हैं, फिर से संयुक्त रूप से मेरे और RTO गोरखपुर मंडल के द्वारा चेकिंग की कार्रवाई तरंग क्रॉसिंग के पास की गई। इसमें जो इन लोगों ने HSRP प्लेट नहीं लगाई थी अथवा हेलमेट धारण नहीं किए थे अथवा उनके वाहन के अन्य कागजात पूरे नहीं थे, उस संबंध में उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। साथ ही साथ सभी वाहन चालकों के लिए सचेत किया गया कि कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं से बचाव हेतु संपूर्ण सुरक्षा प्रबंधों का संपूर्ण सुरक्षा मानकों का पालन करें और यातायात व्यवस्था में सहयोग दें और स्वयं भी सुरक्षित रहें। थैंक यू।